आईफोन की ख़राब बैटरी वो भी घर पर बदलना बड़ा आसान है। इससे आपका टाइम और पैसा ज़रूर बचेगा। मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। चार्जिंग पोर्ट के पास दो स्क्रू होते हैं, पहले तो उसे खोल लीजिए। उसके बाद किसी सेफ जगह रखना है, क्योंकि अगर वो गुम हो गए तो आपको डिस्प्ले और बॉडी जो अलाइनमेंट रहती है उसे दिक्कत होगी लगने में। ये स्क्रू ड्राइवर आपको 70 या 100 रुपये में ऑनलाइन कहीं पर भी मिल सकता है। अगर आपको मेरे से चाहिए होगा तो नीचे कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे दोस्तों, इसके बाद ओपनर लेके डिस्प्ले और बॉडी के बीच में जो गैप होता है उसमें ओपनर के ज़रिए थोड़ा सा गैप कर दीजिए। गैप करने के बाद डिस्प्ले में थोड़ा सा प्ले आ जाएगा और डिस्प्ले निकालने में आसानी होगी। यानी कि ओपनर के ज़रिए हल्के से, यानी कि ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है ना, तो आपका डिस्प्ले क्रैक हो जाएगा। तो हल्के से आपको डिस्प्ले निकालना है। एक बात याद रखिए कि डिस्प्ले को नीचे स्ट्रिप होती है, वो आपको तोड़नी नहीं है। स्टेप नंबर 3, आपको बैटरी और बॉडी के नीचे जो स्टिकी मटेरियल होता है उसे आपको हटाना है। वीडियो में कैसे मैंने दिखाया है वैसे ही स्टेप बाय स्टेप कीजिए, क्योंकि वो स्टिकी मटेरियल एकदम से अचानक से टूट जाता है। आप ऐसे स्टिकी मटेरियल 3 होते हैं, एक बाय एक करके उसे हटा दीजिए। उसे सिर्फ थोड़ा सा निकलना है, नाखून से थोड़ा सा निकलना है और खींचते रहना है, हल्के से खींचते रहना है। यानी कि वो बैटरी के नीचे से और बॉडी के नीचे से जो गैप होता है उसमें से एकदम स्मूथली बाहर आता है। तो ऐसे 3 होते हैं, तो एक बाय एक करके वो निकल लीजिए। आप तो वीडियो में देखेंगे मैंने कैसे वो निकाले हैं। बस आपको स्टेप फॉलो करना है। इससे आपका क्या होगा कि बैटरी निकलने में एकदम आसानी होगी, एकदम यानी कि आसान होती है बैटरी। अगर ये 3 चीज़ हट गई, ये 3 चीज़ स्टिकी चीज़ हट गई तो बैटरी एकदम स्मूथली निकल जाती है बॉडी से। नहीं तो फिर आपका बैड लक होगा तो मुश्किल है, बैटरी तो ख़राब ही हो जाएगी 100%। मेरे से एक अंदर का है वो तो ख़राब, यानी कि निकलते हो टूट गया है। फिर मैंने थोड़ा सा बैटरी को ऊपर करके अच्छे से बाद में निकल लिया मैंने, चिमटा यूज़ करके वगैरह। तो आप फॉलो कीजिए ये स्टेप, आप फॉलो कीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये तीन चीज़ें हटाने के बाद बैटरी कनेक्टर होता है, उसके भी स्क्रू होते हैं। वो स्क्रू निकल कर बैटरी कनेक्टर पहले निकल लीजिए, उसके बाद बैटरी निकलना है। नहीं तो आप वो कनेक्टर तोड़ देंगे, शायद आप तोड़ देंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि आपको वो कनेक्टर निकल कर ही आपको बैटरी निकालनी है। वैसे आप वीडियो में देखेंगे वैसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। ये जो स्टिकिंग पार्ट सब हटाने के बाद बैटरी बॉडी से अलग कर दीजिए और नई वाली बैटरी आपको फ़ोन में इंस्टॉल करनी है। वो मार्केट में मिलेगी आपको 500 से लेके 1500 तक, उसकी 3 महीना 6 महीना गारंटी होती है। मैंने 500 वाली इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। वो तो बैकअप थोड़ा सा कम होता है लेकिन अच्छा होता है, यानी कि चल जाती है एकदम। बैटरी इंस्टॉल करने के बाद आपको डिस्प्ले फिट करना है। पहले तो डिस्प्ले की ऊपर की साइड बॉडी में फिट कर लीजिए, फिर हल्के से हाथ से दबाते बॉडी में डिस्प्ले फिट करना है। देखिए दोस्तों, वीडियो में मैंने कैसे दिखाया है, आपको डिस्प्ले हल्के से फिट करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, नहीं तो डिस्प्ले टूट जाएगा। इससे ही अपना डिस्प्ले और बॉडी अच्छे से फिट हो चुकी है।
देखिए अभी नया बैटरी इंस्टॉल कर चुके हैं हम लोग। सेटिंग में जाके बैटरी की हेल्थ आप चेक कर सकते हैं। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा चैनल हिट कीजिए।